सो भाई पाइनएप्पल के साथ बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, जो कि ये देखो भाई फ्रेश मलबेरीज है, पाइनएप्पल है, और भाई साहब ये देखो स्ट्रॉबेरी। मतलब तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला जो कि स्ट्रॉबेरी भी मिक्स होगा, मलबेरी मिक्स होगा और अपना पाइनएप्पल भी मिक्स होगा भाई। तीन फ्रूट का स्वाद एक साथ और बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट करूंगा भाई, और उसको सर्व करेंगे पाइनएप्पल के शेल में। आपने बहुत सारे पाइनएप्पल के तरीके देखे होंगे शेल्स को हॉरिजॉन्टल वे में, बट भाई वर्टिकल वे में देखे होंगे, पर इस बार अपन बहुत ही डिफरेंट वे में बताने वाले हैं। ये देखो भाई, और ये आपका ट्रेंडिंग भी है, बहुत ट्रेंडिंग है बहुत, और टेस्ट भी भाई उतना ही अच्छा है, क्योंकि अपन इसके अंदर कुछ भी एडिशनल फ्लेवर वगैरह ऐड नहीं करते, एकदम प्योर बनाते हैं। और ये पाइनएप्पल का शेल ऐसे लेके उसको पूरा का पूरा ऐसे कट करेंगे कि पहले अपन जो बनाते थे ना उसमें थोड़ा सा क्या होता था कि वो देखो मैंने फोटो लगा के रखा, उसमें क्या एक बार में एक ही इंसान खा पाता था, ये जब तक एक खा रहे तो दूसरा वाले को थोड़ा वेट करना पड़ता था। स्पेस ज़्यादा है इसमें, एक बार में दो तीन लोग भी आराम से खा लेते हैं भाई। तो ये निकला तो निकाल लेंगे भाई, पाइनएप्पल के पूरे पीसेस जाएंगे इसमें, पूरा पाइनएप्पल जितना मैं निकाल रहा हूँ भाई वो जाएगा इसके अंदर। भाई स्पून लेना वो गुआवा वाला, और इसको थोड़ा बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। हाँ, हल्का सा भी फट जाएगा ना तो प्रॉब्लम होती है। एक स्पून अपना पूरा पाइनएप्पल का शेल भाई ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखो तो दिस इज कंप्लीटली रेडी, और ये इसमें एक नहीं भाई आराम से दो ग्लास जूस जाएगा, पीसे जाएंगे, ड्राई फ्रूट जाएंगे, और इसको बहुत अमेजिंग बना दूंगा। अभी ये सिर्फ शेल रेडी हुआ है, अब देखो भाई हम क्या क्या चीजें इसमें ऐड करते हैं। ये जो अभी अपन ने पाइनएप्पल निकाला है इसका ये जितना भी है ना, ये भी एक्स्ट्रा, ये जो अननेसेसरी चीज़ें ये हटा देंगे अपन, क्योंकि ये खाने के लायक नहीं है, पूरा ग्राइंड होगा। हाँ ये पूरा पहले हटा लेता हूँ, जितना भी काला काला है ये सब छिलके। तो ये पाइनएप्पल गया, इसको साइड में रखता हूँ अभी भाई। जाएगी ये फ्रेश मलबेरीज अभी, इसको भी अपन चॉप करना बहुत ज़रूरी है, इसको अपन चॉप करेंगे। और ये देखो भाई एकदम मस्त फ्रेश मलबेरीज आई है, ये चॉप करना ज़रूरी क्यों, क्योंकि मैं हर फ्रूट में जो भी जैसे कोकोनट वाला बनाया, पाइनएप्पल वाला बनाया, तो अपन क्या फ्रेश फ्रूट के पीसेस भी डालते हैं ताकि वो टेस्ट उसका ओरिजिनल मज़ा आता है भाई, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट खाने में। इतने सारे एक में जाएंगे? हाँ ये तो कम है,
ये तो जाएंगे, ये तो पीसे जाएंगे, अभी तो पूरा आधे से ज्यादा बॉक्स जूस में भी बनने में जाएगा, आधे से ज्यादा बॉक्स जूस में भी जाएगा और ऊपर से भी जाएगा। हाँ, गार्निशिंग के लिए, गार्निशिंग के लिए। तो ये तो गया भाई पीसेस के लिए, अभी इसको इधर डालता हूँ पहले। इधर हमने थोड़े से ये इसको अलग रखते हैं, थोड़ी स्ट्रॉबेरीज ले लेते हैं भाई, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। इसके एकदम इसको चॉपर चॉपिंग प्रॉपर करनी पड़ती है, एकदम ऐसे फास्ट फास्ट नहीं करके इसको थोड़ा मोटा मोटा चॉप करना पड़ता है, ताकि वो क्या है पीसेस प्रॉपर अच्छे लगेंगे। एक में कितने सारी स्ट्रॉबेरी जाती है? स्ट्रॉबेरी ऐसे पीसेस तो कम से कम 5-6 स्ट्रॉबेरी के जाते हो, और अंदर जूस बनाने के लिए आप खुद ही देख लेना भाई, उसमें भी जाता है। ये अपनी स्ट्रॉबेरी की चॉपिंग हो गई, ये मलबेरी की चॉपिंग हो गई। अब अपने ये थोड़े से पाइनएप्पल के पीसेस हैं, और इसको मैं लेके आता हूँ पाइनएप्पल पीसेस। ये अपने पाइनएप्पल के पीसेस, अब ये गोल इधर मैं रख रहा हूँ, बताता हूँ इसका रीजन क्या है। रवि, पाइनएप्पल के साथ भाई ये देखो, ये मलबेरी गया, पाइनएप्पल, मलबेरी एंड ये इसके अंदर स्ट्रॉबेरी गया। तो आप देखो ये है स्ट्रॉबेरी मलबेरी पाइनएप्पल मिक्स, और इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करूँगा भाई, थोड़ा सा आइस ऐड करेंगे क्योंकि ठंडा है, ठंडा करना ज़रूरी है, और बहुत ही नॉमिनल शुगर आपके सामने डाल दूँगा। बस ये थोड़ा सा आइस दिया, और इसमें जाएगी कुछ हमारी और चीजें, जिसको अब इसमें नहीं बताएंगे भाई, उसके लिए आपको इधर आके टेस्ट करना पड़ेगा। अभी जाएगा ग्राइंड होने, बस इसका ग्राइंड होके लेके आता फटाफट। तो भाई देखो इसका कलर मिक्सचर है पूरा एकदम स्ट्रॉबेरी मलबेरी पाइनएप्पल का, और ये है हमारा पाइनएप्पल शेल, इसके अंदर जाएगा अपना, ये देखो भाई थिक जूस है जो कि स्ट्रॉबेरी मलबेरी और पाइनएप्पल का ही है। ये देखो ये गया, उसके बाद ये हमारे बादाम और पिस्ता का कॉम्बिनेशन है, ड्राई फ्रूट जाएंगे, इतना ही हमारा इसमें काजू जाएगा, और ये पीसेस का क्या करूँगा मैं, ये भी तो खराब ही करूँगा, पीसेस भी पूरे जाएंगे उसका। ये गए हमारे मलबेरी के पीसेस, ये गए हमारे पाइनएप्पल के पीसेस थोड़े से, और ये गए हमारे स्ट्रॉबेरी के पीसेस। तो पूरा पूरा लोडेड हो चुका है, पूरा लोडेड हो गया है। तो भाई ये फ्रूट है जिसको पीना भी है, जिसको खाना भी है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये दो जन तो नहीं, दो जन तो आराम से कम 3 जन, नहीं दो जन खा के जाते हैं यहाँ पे, अपन लोग तो अकेले ही खा सकते हैं यार, ऐसा नहीं है इसको। तो देखो भाई स्ट्रॉबेरी मलबेरी पाइनएप्पल, जो कि पाइनएप्पल के शेल में बना है, पर रुको रुको कंप्लीट थी क्या, कंप्लीट बनना बाकी है अभी, थोड़ी सी और भी लोडेड हो जाएगी अभी, थोड़ा तो इसको प्रेजेंटेशन करना जरूरी है, एक तो बढ़िया वाला। ये देखो ये एक टूथपिक लगाएंगे इधर अपन, एक और टूथपिक लगाएंगे, ये है हमारा ऐसा गया, ये मलबेरी गई, अभी क्या, अभी एक और चीज है भाई, ये है स्ट्रॉबेरी शॉट, जो कि सबसे बेस्ट चीज है, हेल्दी शॉट बोल सकते हैं इसको। ये देखो खाने के पहले का स्टार्टर है, खाने के पहले का स्टार्टर है, हाँ देखा, इसको हम इधर रख देते हैं बीच में,
अभी कंप्लीट हुआ है विद द जंगल जूस फ्लैग ऑन इट। तो अब ये रेडी है भाई, स्ट्रॉबेरी मलबेरी पाइनएप्पल सर्व्ड इन पाइनएप्पल शेल। और आराम से हाँ एक में दो लोग खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो कुछ इसके अंदर एडिशनल मैंने कोई ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं डाला है, कोई फ्लेवर नहीं है। तो आप अकेले भी खाओगे तो आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि भाई क्या खा लिया, बहुत सारा हैवी हो गया। नहीं ऐसा नहीं होगा, तो एक में दो लोग भी खा सकते हैं। और आपको ये ट्राई करना है तो आपको आना पड़ेगा द जंगल जूस, जो कि कांदीवली वेस्ट महावीर नगर में हमारी शॉप है, डी मार्ट वाले रोड पे। और आपका टाइमिंग क्या रहता है? अपना टाइमिंग है अपन दोपहर को 12 बजे शुरू करते हैं और रात को 12:30-1 बजे तक, फिर उसके बाद बंद करना ही पड़ता है क्योंकि पुलिस आके बंद करा देती है भाई।